उस टाइम पे जो थे इस हाँ टाइम पे बिल्कुल। जब मुझे अवार्ड मिला था, फिर मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, फिर हमारे खजाना मंत्री केवल किशन जी, फिर मैं भानु प्रताप सिंह मुख्यमंत्री, फिर हमारे गोरे जो प्राइज दे रहे हैं, ये हमारे जलंधर डीसी में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए आज यहाँ पर टंगी हुई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना उस्ताद जी कबूतरों की, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो अभी नए कबूतरबाजियों के लिए ये उस्ताद बच्चे जी हैं की, मल भाई, हाँ बच्चे दिखाए थे, फिर एक बात करते हैं। ये प्योर बच्चे हैं बेटे, निकले हुए हैं ये लाल चीनी हैं धन्ने वाले, ये मीरां वाले जो चिट्टियां आपके वो लाखा भी मीरां वाले, ये लाल चीनी प्योर बच्चे हैं, ये आके हम तरन तरन उड़ेगे अब जो मकाले में, उड़ेगा ये जो मेरा मुकाबले शिकर में। लेने आ रहा है इन्हों अच्छा तां तक अच्छा ताड़े हुए बकरे जो लेने आ रहा है, उसका चैनल मशहूर है अच्छा कीर्तनगढ़ वाले, अच्छा 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 बहुत चैनल मशहूर है उसका। तो नए कबूतरबाजों को उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की कबूतरबाजी करनी चाहिए वो कुछ बताइए आप। बेटे कबूतरबाजी है प्यार, शांति के प्रतीक कबूतर है, बिल्कुल बिल्कुल, ये शांति मांगते हैं। कबूतरबाजी प्यार से करनी चाहिए, कोई ईमानदारी से कस्मबाजी नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो कबूतर उड़ के आता है सही उसका फैसला देना चाहिए। क्योंकि देखो उस्ताद जी बेईमानी से तुम वो कप तो जीत सकते हो लेकिन नाम नहीं कमा सकते तुम बेईमानी से। बिल्कुल बेटे तुमने बात सही की है, बेईमानी करके एक कप जीत लोगे, दो जीत लोगे, 10 जीत लोगे, बेईमानी लेकिन करके पीठ पीछे बेईमानी कहलाओगे। वो परमात्मा तो देखता है ना, हाँ भगवान देख रहा है, जो भी करो ईमानदारी से उड़ाओ, ईमानदार से करेंगे नाम बनेगा। कोई नहीं आज नंबर नहीं आया, कल नहीं आया, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत शोहरत देगा। बेटे जी देखो मैं, देखो मुझे 50 साल हो गए कबूतरबाजी करते, तो मेरे परमात्मा ने नाम दे दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वर्ल्ड जानता है ना, क्योंकि आप ईमानदारी से मेहनत करते रहे, बस पहले फल ऐसा मिला। मुकाबले भी लड़े, नेशनल शो भी लड़े, और सारे जगह में जो भी मुकाबला होता है कबूतरबाजी में जाता है। हूँ मेरे शिगिर्द है जितना नाम कमा रहा है तो मुझे खुशी होती है। हम देखो पाकिस्तान मेरे मुकाबले शिगिर्द कर लड़ रहे हैं, हाफिज शमीन जी तो सबसे ज्यादा जीत रहे हैं, तो मुझे खुशी है, मेरा नाम बज रहा है। वही चीज है, तो जो हम कलकत्ता में उल्लास मंडल की पार्टी वो भी जीत रही है, और रंजीत राय की, और जो अंजुम मिस्त्री की, वो भी अंजुम मिस्त्री वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वो तो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया उसने, 2 दिन कबूतर उड़ा के दिखा दिए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास उड़ान का भी आ गया, ते अपना ब्रिड शो के भी आ गया, ब्रिड शो का मेरे पास है, तो शिगिर्दों के पास उड़ान का आ गया, बिल्कुल। और क्या चाहिए, यही परमात्मा, यही अचीवमेंट है, यही सब कुछ है। आदमी ऊपर लेके क्या जाता है, बस जो अपने कर्म है वही लेके जाता है, और नाम सम्मान मरने के बाद भी आदमी किसी को याद रखेगा तो उसे कर्मों से याद रखेगा। बेटे मैं जेक जाता है कबूतरबाजी प्यार मांग, प्यार से करो, बिल्कुल, जो इसनों को रखता है ये तुम्हारी भलाई जाते हैं। और देखो मैं इतना पैरलस का अटैक हो गया बेटे, मैं डेड हो गया था, एक कबूतर ने बचाया दिया मुझे, इतने मेरे शागिर्द है पूरे वर्ल्ड में, देखो अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह मेरे चेले हैं, मुझे परमात्मा की प्रार्थना करते तो मुझे शीशे से मिलती है, बिल्कुल, जे के रखो साइया मार सके ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, जे बात तुमने बिल्कुल सही कही है। तो यही है दोस्तों, उस्ताद से मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताना। कबूतरबाजी बहुत प्यारा शौक है, आराम से करिए, ईमानदारी से करिए, और ऐसे YouTube चैनल हमारा देखते रहिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों मलवई का शौक कराते हैं आपको उस्ताद जी के, फैंसी भी मलवई, फैंसी मलवई लखा कबूतर भी है उस्ताद जी का। ये ललसरा कबूतर कौन सी नस्ल का उस्ताद जी है, लालजी ना, लालजी ना धन्यवाद, लग ही रहा था वो देखने में। गर्मी के तो खैर बादशाह कबूतर है ये, गर्मी में तो मानते हैं ज्यादा उड़ते, बस थोड़ा सर्दियों में ये मार खा जाते हैं, चील बाग का बहुत डर रहता है, गर्मियों में इससे ज्यादा कोई नहीं सकता, मद्रासी भी खेल है, वो तो एक पल के लिए भाग जाएगा ना, कहीं ऐसा ज्यादा गर्मी पड़ी तो घर आएगा या कहीं जाके बैठ जाएगा, ये आएंगे घर ही वापस लौट के। ये सारे कबूतर हिंदी फिल्म में भी, पंजाबी फिल्म में, हाँ पंजाबियों में है ये लक्का कबूतर है, मेरा काफी फिल्मों में हिंदियों में तो
पंजाबी फिल्मों में भी आया। ये यूज किया है उन्होंने बहुत है, फोटो है दिखाता थे जाके इतनी फोटो इसकी बहुत, जैसे फिल्मी एक्टर आता है बड़ा बड़े वो आगे कहते शूट करना है शूट करने के लिए, फिर उस वक्त मैं कबूतर लेके भी जाता है हाथ में बैठाता हूँ उनके, वो बड़े खुश होते हैं सीधा होता है जहाँ मर्जी बैठा दो बिल्कुल, मैं तो हाथ देता हूँ बैठा के, हाथ बैठाओ कंधे में बैठा दो कहीं बैठा दो बैठ जाता है, देखो लगता कितना सुंदर है कहीं पे बाहर भाग के नहीं आएगा। ये वाला देखिए ब्लैक कलर का, ये काला लगता है, ये भी बहुत बड़ी काफी फिल्मों में आ चुका है, वो आंख खराब हो गई, आंख किसकी आ रही है इसको, आज को देखते हैं ना हम देख लेंगे, कबूतर ने मारा है, बारिश बारिश के टाइम, ये नीला लगता है, ये नीला ठीक है, इनको पर बहुत होते हैं पूछ के, बस शुरू शुरू में अभी शुरू करा था 4-5 साल पहले कबूतर भाई, देख जोड़ा मैं भी लखा के लेके आया था चोटीदार, अच्छा अच्छा, ये जो सारे मुर्गी है जुड़े है मेरे, जिन्हों के बच्चे उड़ते हैं मेरे पास शाम शाम को बैठते हैं, प्रदीप को जानते हैं महाराष्ट्र, अच्छा हाँ प्रदीप भाई जिसने रात को 1:30 बजे बैठाए बड़ा लीडर लगाए वो सब बच्चे इन्हों के लगे, अच्छा इसके बच्चे उड़ रहे हैं वो बाहर जुड़े है ना उन्हों का परिवार है, अच्छा ये सब प्रदीप लगया उसने इतना नाम कमा दिया रात को 1:30 बजे बैठा दिए, और मेरे घर का ही बच्चे है तो मुझे वो हाँ आपको रिजल्ट पता होगा, देखिए कितने बेहतरीन आप है इसके, ये मकोया पंजाबी दूध है बड़ा प्यारा है, कला मंडी भी ये सारे मकोया कालिया पीलिया अखा दे लाल चीना दिखाओ उस्ताद जी, हाँ लाल चीना खाना दे हाथ नहीं आएंगे जल्दी परंत है सबसे ऊपर जाएगा वो समझदार है बहुत, ये घर का ही पट्टा है ये मुझे लग रहा है, बेड़े धरने वाले मोह मशहूर है लाल जी ने, सबसे अच्छी बात क्या होती है धन्यवाद में सुना मुझे ये पीली आग के होते हैं, ये ब्रीड बहुत ज्यादा उड़ती है गर्मी में, जैसे गर्मी में सबसे ज्यादा 45 डिग्री गर्मी पड़ रही है तो ये बल्ले बल्ले करा के बैठेंगे, ये गर्मी जितनी ज्यादा होगी ये लाल जी ने बढ़िया उड़ेगी, मोजर है ये इतने उड़े है ना मेरे पास इनके बच्चे मैं बता नहीं सकता, कई मुकाबले जीते हुए इनके बच्चे, तो ये छत पे उड़ते हैं फिर लंबी पट्टी में भी जाते हैं, लंबी पट्टी में नहीं बेटे छत में भी उड़ते हैं, छत के ऊपर ही उड़े हैं, लंबी पट्टी जाते जब गांव में छोड़ते हैं वो तो गांव में लंबी पट्टी जाने लगते हैं उसको घर नहीं होता, हाँ वो ढूंढता है बड़ा बड़ा, वहाँ ही भागे बैठते हैं रात को, जैसे छतरी लगाएंगे फिर बैठेंगे रात को, जैसे इशारा करेगा मैं घुंघरूंगा घुंघरू भड़काएगा मालिक आ गया, फिर मैं टी शर्ट बदलेगा जी नहीं पाएगा, मैं जो टी शर्ट में उतारता है रोज डेली उसी में बैठेगा, अच्छा मतलब ऐसे कर देगा वो आने शुरू हो जाएगी, वो पहले टी शर्ट देगा, वैसे आप घूमते रहोगे तो नहीं बैठेगा, नहीं नहीं उसको थोड़ा पता है टी शर्ट, फिर वो टी शर्ट पहनेंगे टोपी लगाएंगे वही वाले समझेगा अब मालिक आ गया मेरा, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है, ट्रेन कैसे करना है सारा खेल ट्रेनिंग का है, ये बेटे मशहूर है मीरा वाले, मीरा वाले मीरा वाले तुम सुने होने प्योर है मीरा वाले जेडे मेरे शाम नू बैठदे ए चीने हुंदे सिर्फ चीने काले चीने भी कहंदे ना काले चीने भी बोल देते थोड़ा ते ए रात नू बैठदे बच्चे मैं जिथे भी छड़दा रात नू बैठदे जिथे मेरे शिगिर्द खड़दे रात नू बैठने बच्चे ते ओ कहंदे उस्ताद दे घरों आए ते आपे बल्ले बल्ले करदे बल्ले बल्ले जांदे मैं होर भी लिखां तां तुहानू फड़ के बथेरे लाल जी ने दिखाया ये पिके लाल जी ने लाल जी ने प्योर है ये टैंक अखे है एक पीली एक काली मैं होर दिखाना तुम काला कबूतर प्योर देखो किसी ने कह देना देसी कबूतर है ये प्योर मलवई कबूतर है इसके बच्चे रात रात को कई मुकाबले में उड़ के बैठते हैं देखो काले रंग का है इसके बच्चे दवाज भी निकलते काले भी निकलते चीनी भी निकलते काले चीने सब निकलते इसके बच्चे तो कमाल ही करते हैं अच्छा मैं हम कुछ बता नहीं सकते जितने इसके बच्चे काम करते हैं
शुरू में देखने में दूर से देखने में गोला सा या देसी सा ही लग रहा था, वजूद ऐसा है ना इसका। आप बच्चा देखो पट्ठे लाल जी ने दे जेड़े तो लाल ये देखिए उस्ताद जी की कलेक्शन दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे कप है उस्ताद जी के। अच्छा ये वाली थी उस्ताद जी आप कह रहे थे न्यूज़पेपर वाली।
इस 16 लाख की पिछकर टकाई सी बेटे, इधर बनता 7 करोड़ रुपया इसके बीच पड़ेगा, डॉलर में होगा ये। हाँ हाँ बेटे, इन्हें बीच पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा।